अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख ज्यों-ज्यों नजदीक आ रही है, राम भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर में स्थापित करने के लिए श्रीलंका की सरकार ने एक अनमोल पत्थर भिजवाया है जो सीता माता से जुड़ा हुआ है। क्या है वीडियो के पीछे की सच्चाई, करते हैं पड़ताल। हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक श्री राम मंदिर का उद्घाटन कुछ दिनों में अयोध्या में होने वाला है। पूरे जोर शोर से इस अवसर को भव्य बनाने की तैयारियां चल रही हैं। जैसे जैसे 22 जनवरी 2024 का वक्त नजदीक आ रहा है, सोशल मीडिया पर भी इसका असर देखा जा रहा है। सही और गलत दावे के साथ कई पोस्ट और वीडियोज वायरल हो रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अशोक वाटिका में जिस शिला पर माता सीता जी बैठती थी, उसे श्रीलंका सरकार ने हवाई जहाज से भारत भेजा है। इसे खुद सीएम योगी लेने पहुंचे थे। इस शिला को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इस वायरल वीडियो और पोस्ट पर यूजर्स तरह तरह से अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं। दरअसल जब से अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, तभी से देश विदेश से कई तरह के पत्थर, कई तरह के निर्माण सामग्री का आना जारी है। चूंकि मामला आस्था का है, इसलिए लोग प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। वायरल वीडियो के साथ पोस्ट में यह दावा किया गया है कि सीता माता श्रीलंका में अशोक वाटिका में जिस पत्थर पर बैठती थी, उसे श्रीलंका सरकार ने श्री राम मंदिर को भेंट किया है, जिसे रिसीव करने सीएम योगी पूरे लाओ लश्कर के साथ पहुंचे थे। इस वीडियो में ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। चूंकि ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर फर्जी दावे के साथ वायरल हैं, इसलिए इसकी पड़ताल जरूरी हो जाती है। इस वीडियो को लेकर कई सवाल भी खड़े हुए। तो जो पहला सवाल हमारे सामने इस वीडियो को लेकर आया, वो ये कि वायरल वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह करने की तो कोशिश नहीं की जा रही। दूसरा, कुशीनगर क्यों उतरी फ्लाइट जबकि लखनऊ अयोध्या से नजदीक है, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। इन दोनों सवालों को पड़ताल हमने करने शुरू किया और जवाब ढूंढने की कोशिश की, तो जो जवाब हमारे सामने आया वो इस रिपोर्ट में देखिए। सबसे पहले हमने गूगल पर जाकर मामले से जुड़े कीवर्ड की मदद से इस खबर को खोजना शुरू किया, लेकिन हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई भी खबर नहीं मिली जिसमें श्रीलंका सरकार ने सीता माता से जुड़े शिला को भारत भेजा हो। हमने जब सीएम योगी की एक्स प्रोफाइल को चेक किया तो वहां भी हाल फिलहाल में ऐसा कोई भी दावा नहीं मिला। इसके बाद हमने इनवेट टूल की मदद से वीडियो को कई की फ्रेम में तोड़ा और गूगल रिवर्स इमेज की मदद से सर्च किया, तो हमें वायरल वीडियो से जुड़ी एक रिपोर्ट एक न्यूज चैनल के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मिली। इस वीडियो रिपोर्ट को 20 अक्टूबर 2021 को पोस्ट किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार ये वीडियो यूपी के कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन का है, जहां पर पहली फ्लाइट श्रीलंका के कोलंबो से आई थी। इस फ्लाइट में श्रीलंका से बौद्ध भिक्षु आए थे। पड़ताल के दौरान हमें कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तस्वीर कई बड़े नेताओं के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर भी मिली, जिन्हें 2021 में शेयर किया गया था। इन तस्वीरों में बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में भगवान बुद्ध के अवशेष को देखा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक बौद्ध भिक्षु जो श्रीलंका से आए थे, उनके हाथ में बुद्ध अवशेष थे। इसी के वीडियो को माता सीता के प्रयोग में आने वाला शिला बताया जा रहा है। इसके अलावा हमें एक और रिपोर्ट मिली जो एक न्यूज वेबसाइट पर मौजूद थी, जिसे 20 अक्टूबर 2021 को पोस्ट किया गया था। इस रिपोर्ट में वायरल वीडियो से मिलती जुलती तस्वीर भी मिली, जो दावे को गलत ठहरा रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये तस्वीर कुशीनगर में एयरपोर्ट के उद्घाटन के वक्त की है, जब करीब 100 भिक्षुओं को लेकर पहली फ्लाइट श्रीलंका से कुशीनगर पहुंची थी। इसके अलावा वायरल वीडियो में साफ साफ केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी देखा जा सकता है, जो कुशीनगर एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर मौजूद थे। हमारी पड़ताल से यह साफ हो गया कि वायरल वीडियो उस वक्त का है जब कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था और पहली फ्लाइट श्रीलंका से आई थी, जिससे बौद्ध भिक्षुओं का जत्था आया था। यानी वायरल वीडियो के साथ किया जा रहा दावा पूरी तरह से गलत है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।